जय हिंद। इंडियन नेवी का जो एयरक्राफ्ट बेस पर जो कैरियर पे जो एयरक्राफ्ट को रखा गया है वो MiG-29K को रखा गया है। इसको हम लोग एक अलग नाम देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ब्लैक पैंथर के नाम से भी जाना जाता है। ये शॉर्ट टेक ऑफ के लिए जरूरी है, ये बहुत ज़्यादा जाना जाता है। इसका थ्रस्ट रेशियो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ओवरऑल की बात करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये भारतीय नौसेना के लिए एक घाटे का सौदा था। इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ भी थी, लेकिन एक ऐसी खराबी थी जो सभी अच्छाइयों पर पानी फेर देती थी। जैसे इसमें अरेस्टेड लैंडिंग दिया गया था, जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करता है तो एयरक्राफ्ट कैरियर पे बहुत कम जगह रहता है तो वो वायर में फंसा के अरेस्टेड लैंडिंग कर लेता है। साथ ही इसे शॉर्ट टेक ऑफ के लिए दिया गया था, कैटापुल्ट से ये टेक ऑफ कर सकते थे। इसके अलावा इस पे एयरक्राफ्ट कैरियर पे जगह कम रहता है और जहाजों को ज्यादा हटाना रहता है, तो इसमें फोल्डेड विंग्स दिए गए थे। इसके विंग्स जो थे ऐसे फोल्ड हो सकते थे, फिर ऐसे खुल जाते हैं, जिस वजह से इसे हैंगर करने में यानी रखने में काफी सहूलियत होती है किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर। इसे लॉन्ग एंड्योरेंस बनाने के लिए इसमें एक्सटर्नल फ्यूल टैंक दिया गया था जो विंग्स के नीचे इसमें सेट किए जा सकते थे, और ये एयर रिफ्यूलिंग भी कर सकता है, हवा से हवा में ये रिफ्यूलिंग कर सकता है। इसके एंड्योरेंस को और बढ़ाने के लिए इसमें ऑक्सीजन जनरेटर दिया गया। जो ऑक्सीजन जनरेटर था, पहले भारत के कई ऐसे जहाज है जिसमें ऑक्सीजन जनरेटर नहीं है, तो वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फ्यूल रहता है लेकिन ऑक्सीजन खत्म होने लगता है तो वापस आना पड़ जाता है, तो इसमें ऑक्सीजन जनरेटर इसलिए वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। इसका वेट थ्रस्ट रेशियो काफी अच्छा है, ये थ्रस्ट अच्छा जनरेट कर लेता है, जिस वजह से ये वर्टिकल भी टेक ऑफ कर लेता है या वर्टिकल उड़ जाता है यहां पर। इस वजह से इसका जो है फ्यूल कंजम्पशन थोड़ा सा कम है, हालांकि अगर ओवरऑल में देखेंगे तो फ्यूल कंजम्पशन इसका एवरेज है जैसे सारी जहाजों का होता है। इसका अगर हम सबसे अच्छी अगर इसमें एक बात है तो इसका रडार है। इसका जो ऐसे रडार है यहाँ पर, ये रडार जो है ये सेमी मॉड्यूल पर आधारित है और ये बहुत दूर तक ये कैप्चर कर सकता है, और इस रडार से हम लोग एक बहुत वाइड एरिया पर नज़र रख सकते हैं और इस पे हम लोग मल्टीपल टारगेट को नज़र रख सकते हैं। इसका रेशियो 4:10, मतलब ये एक साथ 10 रडार 10 टारगेट को देख सकता है, 10 टारगेट पर एक साथ नज़र रख सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा टारगेट हो। 10 टारगेट पर उसमें से एक बार में ही 4 टारगेटों को ये मिसाइल से मार सकता है। पायलट को कोई झमेला नहीं है, ये रडार गाइड कर लेगा, मारेंगे ना रडार गाइड कर लेगा, वो उधर गया उसको रास्ता दिखाएगा, पायलट अपना जा रहा है मिसाइल छोड़ के, रडार अपने से उसको क्या कर लेगी, लॉक कर लिए तो उसको मार देगी यहाँ पर। तो ये काफ़ी बेहतरीन सिस्टम है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। साथ ही इसे ग्राउंड अटैक के लिए भी बनाया गया है। नेवी का तो है ये, अभी गलवान में जब विवाद हो रहा था तो नेवी के जो गोवा में रखा गया था INS हंसा जो था उसको उठा के गलवान में भी ट्रांसफर कर दिया गया। ये उड़ते हुए ही 25 किलोमीटर दूरी से किसी भी टैंक को हमला कर सकता है और टैंक को मार सकता है 25 किलोमीटर दूरी पे। ये तो कुछ नहीं कर सकते, इनके रेंज कितना होता है, 3 किलोमीटर मार ही सकते हैं, 3 से 4 किलोमीटर से ज़्यादा ये मार ही नहीं सकते हैं सब, इनका ज़्यादा रेंज नहीं होता है टैंक्स का, वो 25 किलोमीटर से मार देते हैं सर यहाँ पर। और अगर कोई ब्रिज है, देखिए ब्रिज तोड़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोग को अगर याद कीजिएगा कि इछुगिल नहर की जब लड़ाई हुई थी पाकिस्तान में, तो हम लोग में जो सबसे बड़ा जो घाटा लगा था, हम लोगों ने जो इछुगिल नहर को पार कर गए थे, भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर चिनाब के पास जो इछुगिल नहर था उसे पार कर गए थे, बाद में पाकिस्तानियों ने पुल उड़ा दिया तो हमारी जो फौज उधर ही थी फंस गई, जिस वजह से हमें बहुत भारी कैजुअल्टी उठानी पड़ी थी। तब से क्या किया गया, एक जहाज में एक स्पेशल फीचर ही जोड़ दिया गया, वो किसी भी ब्रिज को दूर से ही पहचान के डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये 120 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी ब्रिज को निशाना बना सकता है, और ब्रिज को अगर तोड़ दीजिए ना तो सबसे बेहतरीन यही होता है, लॉजिस्टिक टूट जाती है। अगर सड़क को तोड़ेंगे तो क्या होगा, मिट्टी उट्टी भर के तुरंत बना सकते हैं, ब्रिज तुरंत थोड़ी बचेगा, एक तो मार दिए ध्वस्त कर दिए, दो ठोपाया उखड़ गया ब्रिज काम खत्म, उधर का इधर इधर ही रह जाता है। और नेवी के लिए देखिए MiG-29K को बेसिकली तो बनाया गया था नेवी के लिए, तो किसी भी नेवी के जो शिप होते हैं छोटे से छोटे साइज के को ये 300 किलोमीटर दूर से ही पहचान सकता था। तो ये इसके जो सेंसर्स थे वो काफी बेहतरीन थे MiG-29K का, लेकिन जो इसकी सबसे बड़ी खराबी थी जिसको बर्दाश्त ही नहीं किया जा सकता था, वो इसका इंजन था। देखिए भाई साहब, इसका जो इंजन है डबल इंजन की है, एक ये इंजन हो गया, एक ये इंजन है, डबल इंजन का है, और इसका जो इंजन है वो मेड इन रसिया का है इंजन। ये इंजन कभी कभी थ्रस्ट फेल कर जाता है, कई बार इसको हम लोग सिंगल इंजन पे ही लैंड कराए, हालांकि इसका सिंगल इंजन भी पूरे जहाज को बेहतरीन ढंग से उड़ा लेता है, लेकिन ये अच्छा थोड़ी है कि आपका उड़ते उड़ते एक इंजन काम करना छोड़ दिया, जैसे हमारी एक किडनी बंद भी हो जाती है तो दूसरे किडनी से आराम से आदमी काम कर लेता है। अब इसके इंजन की जो सबसे खराबी है ना, सबसे बड़ी इसकी इंजन की खराबी क्या है कि इस इंजन का लाइफ पीरियड बहुत कम है, ये 10 साल ही ये इंजन चल सकता है, और 10 साल के अंदर भी ये इंजन खराब हो सकता है। कैसे, कि अगर ये 4000 घंटा अगर चल गया ना तो इंजन खराब हो जाएगा, 4000 घंटा इसका लाइफ टाइम है। अब सोचिए ना, YouTube पर किसी को मोनेटाइज कराने के लिए 4000 घंटा मांगता है, इसका लाइफ है 4000 घंटा।
इस वजह से भारत जो है अपने जितने भी जहाजों को इसको खरीदा था उसके 60% इंजन अब दोबारा मंगा रहा है। अब किसी भी जहाज में अगर आप देखेंगे तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है इंजन, बाकी है क्या चीज़ इसमें, ये इंजन के सिवा है क्या चीज़, खोखलावा क्या करेंगे यहाँ पर। अब इसकी इंजन की जो पीरियड है बहुत ही ख़राब है, इतना कम होने की वजह से, हालांकि मिग ने कहा था कि इसके इंजन की टाइमिंग कम होने की वजह से इसके इंजन बनाने का प्लांट जो है हम इंडिया में डालेंगे, हालांकि इतना भी कम नहीं है, बाकी जहाजों का ऐसा मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा रहता है, 6,000-8,000 यही रहता है, लेकिन ये बहुत कम है, एक्सपेंसिव ये हो जाता है। दूसरा अगर इसका निगेटिव पॉइंट देखेंगे तो ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, इतना दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इतना दुर्घटना जिसका कोई हद नहीं। रूस ने ही भारत को 2011 में इसे देने वाला था, देने के लिए जब ये ट्रायल कर रहा था ना तो रूस में उलट गया 2011 में। उसके बाद से सीरिया में हमला करके रूस जो आ रहा था वापस, तो मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर से क्वेश्चन भी पूछता है आपसे, कहेगा किसे हुए बंद सागर कहा जाता है, बंद सागर कहेगा तो भूमध्य सागर, बंद महासागर कहता है तो आर्कटिक महासागर कहा जाता है, उसको छिपा हुआ भी रहता है वो। आगे देखिए तो ये 2016 में सीरिया में गिर गया, 2018 में इंडिया में गिर गया था, हालांकि 2018 में इंडिया में जो गिरा था तो क्रॉस लैंडिंग कर गया था, ये रनवे को ओवरशूट करके गिर गया था। आगे 2019 में क्या हुआ था, तो 2019 में पक्षियों के झुंड से टकरा गया था जिस वजह से इसका इंजन फेल हो गया था, जिस वजह से ये गिर गया था। 2020 में तो ये दो गिर गया, एक फरवरी 2020 में गिरा, एक अभी दिसंबर में गिर गया, यहां पर एक पायलट अभी भी लापता वहां पर। तो ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, इतना भयानक ड्रॉ होने की वजह से। आप सोचिए ना, हम लोगों ने 48 खरीदा था, अभी केवल 43 बचा हुआ है हम लोग के पास, गिर गया इतना। इसलिए भारत को ये नहीं लेना चाहिए। हालांकि भारत इसके लिए, इसकी एक और ख़राबी क्या है ना, ये इसकी जंप जो होता है, इसकी जंप एयरक्राफ्ट उस पर से ये उड़ान नहीं भर सकते, वैसा एयरक्राफ्ट करिए जो आगे से ऐसे उठा रहता है, उसे इसकी जंप कहा जाता है। MiG-29 से का सबसे बढ़िया सब्सटीट्यूट है अमेरिका का F-18, जिसे हम सुपर हॉर्नेट भी कहते हैं। बोइंग कंपनी ने भारत के लिए स्पेशली भी डिजाइन किया था सुपर हॉर्नेट को। ये दुनिया का, अभी कहिए कि दुनिया में सबसे भरोसेमंद नेवी का एयरक्राफ्ट है। बहुत सारी लड़ाइयों में भाग लिया है, चाहे वो इराक की लड़ाई हो, लीबिया में हो, सीरिया में हो, हर तरह की लड़ाइयों में भाग लिया है। ये US नेवी का ये रीढ़ माना जाता है, और ये हर मायने में जो है वो MiG-29K से बेहतर है। हाँ, ये है कि ये ज़्यादा MiG-29 की सर्विस सीलिंग यानी हाइट ज़्यादा है, तो इसकी हाइट उतनी नहीं है, तो फिर समुंदर में हाइट लेके क्या करिएगा। यहाँ पर इसको बेहतरीन ढंग से कस्टमाइज किया गया है, ये MiG-29 का सबसे बेहतरीन वेरिएंट है। भारत को MiG-29 में पैसे नहीं फंसाने चाहिए। अभी जो बाइडेन की सरकार है वो भी इसको दे देंगे, भारत ने कौन का सा जितने भी समझौते चाहिए थे डिफेंस के लिए सब कुछ कर चुका है, तो भारत को इसमें कोई बाधा आने वाली नहीं है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो भारतीय नेवी के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे जो ब्रिटेन से रिटायर थे, उसे हम लोग लेके आए थे, ब्रिटेन निकाल दिए हम लेके आए थे, जिसमें पहला था INS विक्रांत जो अब रिटायर हो चुका है, INS विक्रांत रिटायर हो गया और INS विराट भी रिटायर हो गए सर। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे 1971 की लड़ाई में। आपको याद होगा विक्रांत ने 1971 की लड़ाई में जो तबाही मचाया था, वीडियो में तो बनाए थे, आप देखे होंगे। अब क्या किया हम लोगों ने, एक अपना ना अपने इंडिजीनियस उसे कहते हैं जो भारत में ही बना है, तो जो विक्रांत जो हम लोगों ने पहला एयरक्राफ्ट करिए था तो उसी के नाम से हम लोग अब एक अपना खुद का बना रहे थे विक्रांत। तो ये विक्रांत कोची शिपयार्ड में बन रहा था, काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट था। अभी इसका क्या है, सी ट्रायल कंप्लीट हो गया है, मतलब इसमें हर एक चीज़ अब लगाया जा चुका है, अब इसकी ट्रायल नेवी करेगी। 2 साल तक इसको पानी में, हर मौसम में, बारिश में, सुनामी में, चक्रवात में, तूफान में, गर्मी मौसम, हर तरह से अब इसका ट्रायल किया जाएगा। मतलब अब जिसमें जितना इसमें इंजीनियरिंग का काम होना था, वैज्ञानिकों का काम करना था, सब काम हो गया। अब ये फुल टू समझिए कि ऑपरेशनल है, लेकिन नेवी इसको 2 साल तक इधर उधर घुमाएगी, देखेगी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, तो उसके बाद ही देगा। जैसे आप मोटरसाइकिल खरीद लेंगे ना तो आपको थोड़ा सा 1 किलोमीटर टेस्ट ड्राइव देगा कि देख लीजिए ठीक ठाक चल रहा है ना, तो हाँ ठीक ठाक है, टंटना जी, तो 2 साल बाद ये भी चालू हो जाएगा। तो INS विक्रांत जो है वो रिटायर हो गया, ये भारत का नया INS विक्रांत है जो अब क्या हो रहा है, भारत में शामिल होने वाला है। अभी भारत में वर्तमान में केवल एक ही अगर देखेंगे तो ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट करियर है INS विक्रमादित्य, जो भी सेकंड हैंड है INS विक्रमादित्य, इसे क्यू क्लास विक्रमादित्य जो था रूस में था, रूस इसका खर्च नहीं उठा पा रहा था तो वो भारत को बेच दिया यहाँ पर, तो यही ऑपरेशनल है यहाँ पर। इसकी भी खराबी क्या है, ये भी इसकी जंप है, ये आगे से ऐसे उठा हुआ है, इसकी जंप होने की वजह से एयरक्राफ्ट जो होते हैं सब फुल कैपेसिटी के साथ नहीं उड़ पाते। भारतीय जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनकी खराबी क्या है कि वो लोग ऊपर का डेक जो होता है, ऊपर का डेक ये बिजी हो जाता है जहाज़ों की वजह से, कि लैंडिंग और टेकऑफ का जगह नहीं है, इसलिए हमको डेक के अंदर एक फ्लोर बनाना पड़ता है, इसके अंदर हमें जहाज़ों को रखना पड़ता है, और यहाँ पर जहाज़ों की सर्विसिंग, उसमें हथियार वगैरह भर के फिर लिफ्ट की मदद से उसको ऊपर उठाया जाता है, यानी कुछ जहाज़ें ऊपर और कुछ जहाज़ों को नीचे रखना पड़ता है, क्योंकि ऊपर के डेक पर खाली जगह नहीं बच पाता है। तो अभी क्या है, ब्रिटेन ने हमें बहुत बड़ा ऑफर किया है, अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर का मॉडल ही बेच रहा है वो भारत को, ब्रिटेन के जो ये देख रहे हैं ना, ये खरगोश
ये ब्रिटेन वाला है, इसके दादा परदादा भारत पे हम लोग पे राज किए थे, और एक एल्गिन नाम का वायसराय था भारत में, उसने क्या कहा था कि बर्तानिया हुकूमत, देखिए ब्रिटेन को हिंदी में भी ब्रिटेन कहते हैं, हालांकि हम आपको पढ़ाए हैं नक्शा के क्लास में, ब्रिटेन तीन देश का समूह आ जाएगा, उसमें इंग्लैंड भी आ जाएगा, वेल्स भी आ जाएगा, स्कॉटलैंड भी आ जाएगा, ये तो नक्शा के क्लास में कंप्लीट बता दिए थे, ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, उसमें उत्तरी आयरलैंड जोड़ देंगे तो यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। तो ब्रिटेन वाले ने हमारे पे शासन किया था, एल्गिन ने क्या कहा था कि बर्तानिया हुकूमत, बर्तानिया, ब्रिटेन को उर्दू में बर्तानिया कहते हैं, तो बर्तानिया हुकूमत ने भारत को तलवारों के दम पर जीता था और तलवारों के दम पर ही हम इस पर शासन करते रहेंगे। चल गई नहीं, ये खरगोश से पूछिएगा इसके दादा परदादा लोग का क्या हाल है। तो अभी ये खरगोश भारत आ रहा है 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि बन के, समझ आ गया कि नहीं, इसी की यहाँ के दादा परदादा लोग आए थे लोग ना, तो गेटवे ऑफ इंडिया बना था यहाँ, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये भारत आ रहे हैं, तो अभी क्या है कि अगर आप देखेंगे तो 4-5 साल में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर थोड़ा सा गहरा झटका लगा, क्योंकि ब्रेग्जिट जब हुआ था तो ब्रेग्जिट से ये ब्रिटेन जो हो गया, ब्रेग्जिट से ब्रिटेन जो है ना यूरोपीय यूनियन से एग्जिट हो गया, तो ब्रिटेन के एग्जिट को कहते हैं ब्रेग्जिट, यानी ब्रिटेन एग्जिट हो गया है, तो यूरोपीय यूनियन का इसे फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो ये आ रहे हैं जब भारत में, तो ये भारत से अच्छे रिलेशन बनाएंगे, व्यापार को बढ़ावा देंगे, ये पहले ही भी बोल दिए हैं कि हम भारत जाएंगे तो रिलेशन अच्छा से करेंगे भारत में। इसी में उन्होंने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑफर किया है कि फुल टू इसका डिजाइन है, ये ले जाइए, इसी का हूबहू बना दीजिएगा यहाँ पे, तो भारत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत का अपना जो अगला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल, उसके लिए हमें एक मॉडल को तैयार करना है, और ये INS विशाल जो होगा ये स्की जंप पे नहीं होगा, ये कैटापुल्स पर होगा, ये इसका एयरक्राफ्ट का सामने का हिस्सा बराबर होगा, इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर को एकदम छोट जहाज को यहाँ रखिएगा, स्की जंप से ऐसे उड़ा दीजिएगा, सॉरी स्की जंप की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैटापुल से उड़ा देंगे, जिससे क्या है कि कोई भी जहाज जो है फुल कैपेसिटी से उड़ान भर सकते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर से, जिससे इंडियन नेवी को काफी ज्यादा फायदा होगा। इसके बावजूद भी हम तो यही कहते हैं कि भैया ये सब जो चीजें होती है एयरक्राफ्ट कैरियर, ये उन देशों के लिए ज्यादा जरूरी है जिन्हें दूसरे जगह जाके हमला करना है। हम लोग की विदेश नीति के हिसाब से हम लोग के लिए अभी कोई, हमको नहीं लगता है कि तीन तीन एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, क्योंकि हमारा एक विक्रांत जो है वो सक्सेस हो ही गया, एक साल में वो हमारे कमीशन हो जाएगा, और विक्रमादित्य हाई है, दोनों एकदम नए नए एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, सब अरबों रुपए खर्च करके एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया जाता है, एक मामूली टारपीडो या मिसाइल हिट से पूरा तबाह हो जाता है। तो इससे बेहतर होता है कि हम लोग यहाँ अंडमान निकोबार में बड़ा सा एयरबेस बना देते, बहुत बड़ा सा, और इसके बीच में एक तो आर्टिफिशियल एयरबेस बना देते, भैया आर्टिफिशियल द्वीप बना दे, मट्टी भर दीजिए वहाँ पे, क्या दिक्कत होता है, अपना है, कौन बोलने वाला हिंद महासागर में, चाइना उधर भर गया ना, जितना में खर्चा होगा एयरक्राफ्ट करियर में, उससे अच्छा इस साइड में और इस साइड में खूब अच्छा से बना दीजिए। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ अंडमान निकोबार है, यहाँ हाई है हम लोग का, यहाँ लक्षद्वीप है, यहाँ भी है, एक एक्स्ट्रा यहाँ बना दीजिए इस साइड में, आर्टिफिशियल एक इस साइड में, तो यहाँ हमेशा हम लोग का एयरपोर्ट रहेगा ही, और किनारे किनारे नौसेना के एयरपोर्ट हैं, तो ये हमारा ये एरिया पूरी तरह से सेफ हो जाएगा। तो जो दो ठो बचे हुए एयरक्राफ्ट कैरियर है सब, जो ऑलरेडी हमारे पास है सब, विक्रांत नया वाला और विक्रमादित्य, दो ठो तो रिटायर कर दिए, विराट और पुराना विक्रांत को रिटायर कर दिए, तो एक ठो को आप रेडी रखिए चाइना के लिए, और पाकिस्तान को क्या करना है सोच रहा है, दोनों इधर रखिए, वो क्या करने आएगा वहां बेचारा, वो तो अपने मर रहा है, उसको खैला भी ना मर जाएगा वहां पर, उसका मतलब अर्थव्यवस्था उसकी चौपट हो रही है, वहां की लीडरशिप परेशान है, पता है चाइना पाकिस्तान के नेता किससे परेशान रहते हैं पता है, अपनी खुद की आर्मी से, उसके आर्मी वाले जो होते हैं प्रधानमंत्री से ज़्यादा पावरफुल रखते हैं। हम लोग की आर्मी, भाई हम जब NCC में गए थे तो कहा गया था कि आर्मी का ना ये छोटा भाई है NCC, और इसका सबसे बड़ा उसूल होता है डिसिप्लिन, सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट, यही सिखाया गया भैया, सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट, सीनियर ने जो बोल दिया वो सही है। सेना हम लोग की कितनी डिसिप्लिन में रहते हैं, वहाँ की सेना इमरान खान को गिरे शांति से बैठते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं वहाँ पे। तो हम लोग को अभी एयरक्राफ्ट कैरियर में फंसाने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है कि हम लोग को इसी को दूर जाके थोड़े ना युद्ध करना है, अब अमरीका से सोच रहा उनको जिंदगी भर हमले करते रहना है, उससे बेहतर रहेगा अगर मान के चलिए यहाँ पर वियतनाम में हमको एक तो सैन्य का अड्डा मिल जाता है नौसेना का, तो क्या जरूरत है वहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की, उस पर तो बम भी मारेंगे तो थोड़ी ना होगा, एक और का एक कट्ठा उड़ जाएगा तो बाकी तो बचा ही रहेगा। तो बेहतर होगा हम लोग आर्टिफिशियल आइलैंड्स पर ध्यान दें, मोदी जी इस पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उस पर खर्च बहुत ज़्यादा आते हैं सब एयरक्राफ्ट कैरियर पर। आई होप आप इसे समझे होंगे। अब जो NTPC का बैच था, जो रेलवे के बैच थे, उसको 4 घंटे कर दिया गया, सैटरडे संडे भी अब उसके क्लास लगेंगे, और रात 12 से 1 भी उसमें अब लाइव क्लास चलेगा 12 से 2 बजे रात तक में भी, क्योंकि आप लोग भी सोए तो रहते नहीं होंगे 12 बजे रात में, हम भी नहीं सोते, हम भी 2 बजे बाद सोते हैं, तो 12 से 2 के बीच में हम एप्लीकेशन पर लाइव आके पढ़ा देंगे, यूट्यूब वाले सब सो जाते हैं 12 बजे के बाद से। तो आई होप आप इसे समझेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।